करुणाधाम मंदिर पहुंचे सीएम शिवराज। यहां भोपाल से खबर, जहां करुणाधाम मंदिर पहुंचे सीएम शिवराज, पत्नी साधना सिंह के साथ वो मंदिर पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना की। तो करुणाधाम मंदिर पहुंचे सीएम शिवराज, उन्होंने पूजा अर्चना की, पत्नी साधना के साथ वो मंदिर पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना की। चूंकि नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना की जा रही है, और इसी अवसर पर करुणाधाम मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पत्नी साधना सिंह के साथ वो मंदिर पहुंचेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वहीं की तस्वीरें हैं, मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां वो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए और अपनी पत्नी के साथ, पत्नी साधना सिंह के साथ दिखाई दिए। तो पत्नी साधना सिंह के साथ करुणाधाम मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और मंदिर में उन्होंने पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की। तो नवरात्रि का पर्व, पावन पर्व चल रहा है, ऐसे में मंदिरों में काफ़ी भीड़ भी श्रद्धालुओं की, भक्तों की देखने को मिल रही है, और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करुणाधाम मंदिर पहुंचे। और आपको ये भी बता दें, चूँकि आप तस्वीरों में जैसे देख रहे हैं कि पत्नी साधना भी उनके साथ मौजूद रही और दोनों ने ही मिलकर पूजा अर्चना की। तो मंदिर में पूजा अर्चना की, करुणाधाम मंदिर जहां पहुंचे, जहां माता का आशीर्वाद लिया और पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की। तो आपको बता दें कि चूंकि नवरात्रि का पावन पर्व, और ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं, मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की जाती है, और चूंकि ये वो मौका है जब सभी लोग मंदिर पहुंचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि कोरोना भी चल रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसा कि कह चुके हैं कि इस समय पूजा अर्चना की जाए, लेकिन कोरोना के समय में भी ढिलाई ना बरती जाए। और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना के साथ जहां मंदिर पहुंचे और प्रदेश की खुशहाली के लिए उन्होंने कामना की, और इसके साथ ही पूजा अर्चना भी की है, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां तमाम भक्त भी इस दौरान मौजूद रहे, और जहां भक्त मौजूद रहे वहीं दूसरी तरफ पत्नी साधना के साथ तस्वीरों में आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देख सकते हैं। सदफ हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, सदफ तस्वीरों में हम देख रहे हैं, चूंकि नवरात्रि का आज सातवां दिन है और सातवें दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करुणाधाम मंदिर पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए। दरबार में पहुंचे थे, पूजा अर्चना की थी, लेकिन आज नवरात्रि का सातवां दिन है और मंदिरों में जो है नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। आज माँ कालरात्रि का दिन है और जो भक्त माँ कालरात्रि की पूजा आराधना कर रहे हैं, वक्त हम राजधानी भोपाल के काली मंदिर में मौजूद हैं और हमारे दर्शकों को सीधा लाइव माता के दर्शन भी करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में माता का विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया गया है और जो भक्त हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं माता के दर्शन करने के लिए। काफ़ी प्राचीन मंदिर ये माना जाता है और भक्तों की जो आस्था है इस मंदिर से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जो भी इस माता के दरबार में आता है उनकी हर मनोकामना, हर मुराद पूरी होती है। आप देखिए बड़ी संख्या में दूर दूर तक आपके भक्त नज़र आ रहे होंगे, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है माता के दर्शन के लिए। फिलहाल आरती चल रही है और जो भक्त हैं वो आरती में शामिल हुए हैं। आज नवरात्रि का सातवां दिन है, माँ कालरात्रि के स्वरूप की आज पूजा की जा रही है। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि संकट हर लेती है, हर जो संकट होता है व्यक्ति के जीवन में उसको दूर कर लेती है और दुश्मनों का नाश भी करती है। और हमने आपको पूरे नवरात्रि के सातों दिन की तस्वीरें भी दिखाई हैं अलग अलग मंदिरों से। इस बार जो है भक्त हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से हमने देखा है पिछले साल भक्त मंदिर नहीं पहुंच पा रहे थे और दर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं भक्तों में खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। जो भक्त बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं, बड़ी संख्या में माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो भक्त हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे
नवरात्रि की किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, किस तरह से आज माँ कालरात्रि के स्वरूप की पूजा की जाए, कुछ लोग हैं उनसे हम जानेंगे माता के दरबार में आई हूँ, क्या कामना लेकर आई है। देखिए यहाँ पर जो भक्त फिलहाल आरती में शामिल हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त नजर आ रहे हैं और उत्साह भी यहाँ पर भक्तों में देखा जा रहा है। काफ़ी लंबे समय के बाद जो भक्त मंदिर पहुँच कर माता के दर्शन कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल सदफ हो चुकी है, तस्वीरें हम आपके ज़रिए देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं ये तस्वीरें अपने दर्शकों को कि इस समय पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है, आरती का समय है, चूँकि सुबह का समय है और आरती चल रही है मंदिर में और पंडित जी आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सदफ वहां पर तमाम भक्त भी इस दौरान मौजूद हैं और काफ़ी भीड़ इस समय लगी हुई है, चूँकि हम ये भी देख रहे हैं, एक तरफ हम ये भी देख रहे थे कि कोरोना चल रहा है और कोरोना में कहीं आस्था फीकी पड़ती हुई दिखाई न दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं, कोरोना में बिल्कुल भी आस्था भक्तों की फीकी पड़ती हुई दिखाई नहीं दी और मंदिर में भक्त पूरी तरीके से पहुंच रहे हैं और भीड़ इस समय काफी ज्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, कोरोना पर आस्था यहां पर भारी दिखाई दे रही है और जो भक्तों का उत्साह है वो कम नहीं दिखाई दे रहा है, मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में जो भक्त माता के दर्शन पहुंचे हुए हैं और उनमें काफ़ी उत्साह और खुशी देखी जा रही है। माता को यहां पर चढ़ावा भी चढ़ाया जा रहा है, आज माता के भव्य स्वरूप को देखिए आप, विशेष तरह से पूजा अर्चना की गई है। आज माँ कालरात्रि का दिन है, पंडित जी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, सुबह यहाँ पर जिस तरह से आरती होती है उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। अभी फिलहाल जो है आरती चल रही है और माता के भव्य स्वरूप के जो भक्त दर्शन कर रहे हैं सभी में उत्साह दिखाई दे रहा है। कोरोना की वजह से हमने देखा है लोगों में काफ़ी निराशा देखी गई थी कि मंदिरों में नहीं जा पा रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, तमाम जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब वो पाबंदियाँ हटती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की फिलहाल आशंका जरूर जताई जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में पहला डोज लग चुका है लोगों को, दूसरे डोज को लेकर तैयारियां और लगभग अभियान चलाया जा रहा है और कोरोना की रफ्तार कम भी पड़ गई है, इसी का असर है धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है, लोग खुद मंदिर जाकर माँ के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप जो हमारे देखिए लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं माता के भव्य स्वरूप की, काली मंदिर है ये जहाँ पर माता का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है और फिलहाल आरती की जा रही है। जी बिल्कुल, आरती पूरी तरीके से की जा रही है और भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, सदफ चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और इस समय श्रद्धालु जो इस तरीके से मंदिरों में पहुंच रहे हैं उसे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना उत्साह भक्तों में इस समय देखने को मिल रहा है। और सिर्फ भक्तों में ही उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है सदफ, चूँकि तस्वीरें हम जो देख रहे हैं, अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें बच्चे भी शामिल हैं, बच्चे भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मंदिर में पहुँच रहे हैं। बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर युवा हो, सभी की देखिए आस्था भारी होती है, सभी की जो सभी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और सभी माता के दर्शन पहुँचे हुए हैं, माता के दर्शन करने पहुँचे हुए हैं। इससे पहले आरती से पहले जब हमने बात की थी भक्तों से, बच्चों से, तो उनका यही कहना था कि हमें काफ़ी खुशी है, कोरोना की वजह से हम माता के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब साक्षात मंदिरों में आकर माँ के दर्शन कर पा रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और कोरोना कम भी हुआ है तो माँ से ये भी मनोकामना कर रहे हैं भक्त कि अब भगवान न करे कि कोरोना की तीसरी लहर आए, क्योंकि हमने दो लहर देखी है कोरोना बिल्कुल उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, चाहे आर्थिक स्थिति की बात करें या फिर लोगों की जान की बात करें, कोरोना में कई लोगों की जानें भी गई हैं, जिसके चलते अब लोग कहीं ना कहीं सतर्क हो गए हैं और माँ के दरबार में भी यही मनोकामना लेकर पहुँच रहे हैं कि अब कोरोना की तीसरी लहर न आए। बिल्कुल, और पूरा हो चुकी है और पूरा मंदिर इस समय जो है वो जयकारों की गूंज से भक्तिमय हो चुका है और आरती संपन्न हो चुकी है और जयकारे लगाए जा रहे हैं और तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि आज नवरात्रि का सातवां दिन है और सातवें दिन पूरे भक्तिमय से पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है, भक्त भारी संख्या में जो है वो पहुंच रहे हैं और पंडित जी अभी थाली लेकर भक्तों के पास पहुंच रहे हैं और आरती जो है वो भक्त ले रहे हैं।
सदफ, बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए, क्योंकि ये तस्वीरें जो देखकर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और सुबह सुबह जो भक्त नहीं पहुंच पाए हैं दर्शन करने के लिए, वो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। और काली माता मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहाँ भक्त लाइव तस्वीरें देखकर ही माता के दर्शन कर सकते हैं।